Bismillahir Rahman Rahim and Assalamu Alaikum. Ladies and gentlemen, please be seated. We are about to begin our session. It is about the book Kahan Kahan Se Guzre Meri Zindagi Ki Kahani. Hamare is session ke shuraka hain Hamra Khaliq, Masood Ashar aur hamare is session mein moderator hain Zaida Hina Sahiba. Aap sabse guzarish hai ki aap sab stage pe aa jaye. Kindly switch off your mobiles or put them on silent. Thank you so much. एक बात आप पहले आप लोगों ने हाफ एन आवर इट इज हाफ एन आवर बट 20 मिनट इज फॉर यू टू स्पीक एंड देन वी विल हैव अ डेफिनेट सेशन फॉर दिस व्हाट इज द क्वेश्चन आफ्टर ओके यू कैन कंटिन्यू ये खोलना चाहिए भाई बताइए कि शुरुआत उनको करनी है मुझे करनी है जी आप से कर रहे हैं ठीक है क्योंकि जी जी मैंने पढ़ी बहुत अच्छी किताब मुझे बहुत अच्छी लगी नहीं अच्छा किया बहुत अच्छा किया उसमें रामपुर का जिक्र मैं रामपुर का रहने वाला I would like this opportunity to introduce the moderator of this session, Ms. Zaida Hina. She is a short story writer and novelist in Urdu language as well as a columnist. She has to her credit 4 short story collections, 1 novel, 5 collections of articles and many translated books. Her work has been translated into English, German, Hindi, Sindhi, Gurmukhi, Marathi, Bengali, Pashto and Russian. हाँ एक तुम नीचे से मॉडरेट करो शाबाश हाँ तो ये तब इसीलिए तो कह रही हूँ तुम नीचे से वो करो अहकाम मेरा ख्याल है वो भी बंद कर दें जी या जी ये आप नहीं ये है आप कि खुला हुआ है खुला हुआ जी खुला हुआ आगे भी खुला हुआ ख़वातीन हज़रात इस वक्त हम हमरा खलीक साहिबा के साथ और मसूद अशर साहब के साथ मौजूद हैं और मौका है कि हम हमरा खलीक साहिबा की जो किताब है जो खुद नविश्त है उसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करें और गुफ्तगू तो मेरा ख्याल है ज़्यादा मसूद अशर साहब करेंगे आप करेंगे अच्छा मैं करूँगी हम पढ़ी नहीं है क्या किताब आपने ये सिर्फ टाइटल पेज पे करेंगे जी जी अच्छा इस किताब का नाम है कहाँ कहाँ से गुजर गए ये खुद नविश्त है यानी आज की ज़बान में ऑटोबायोग्राफी है यहाँ उसका वो भी लगा हुआ है पिनाफ्लिक्स भी लगा हुआ है जिससे आप लोगों को अंदाज़ा होगा और ये किताब बज़ाहिर बहुत सादा है इतनी सादा कि किसी ने कहा कि भाई इसके बारे में क्या लिखा जाए क्या कहा जाए तो खैर फिर मैं पढ़ने बैठी तो मैंने सोचा कि ये हमरा पर तो बहुत बहुत ही ज़हीन है और बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए यानी वो बात करती हैं तहदारी वाली बात करती हैं कि ऊपर से तो बिल्कुल सादा सी बात नज़र आती है लेकिन अंदर पता चलता है कि बहुत से मामला तो मसाइल हैं अच्छा जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है खुद नविश्तों का
तो हमारे यहाँ वैसे तो औरतों ने लिखना शुरू कर दिया था 600 कबल मसीह से हिंदुस्तान में, और उनकी 141 उनकी वो भी मौजूद हैं कि जिनके ऊपर तमाम तहकीक हो चुकी है। लेकिन जहाँ तक खुदनविश्त का ताल्लुक है तो वो सबसे पहले हमारे यहाँ बंगला में लिखी गई, और अमार जीवन जो ऋषिंद्री देवी ने लिखी थी और जो बहुत ही ज़बरदस्त एक किताब है, क्लासिक का दर्जा रखती है। और उसके बाद तो खैर उर्दू में, पंजाबी में, अंग्रेज़ी में हमारे यहाँ बड़ी हंगामा खेज खुदनविश्तें आईं खवातीन की। उनमें से अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट है, कमला दास की माई स्टोरी है, बागी शहज़ादी की सरगुजश्त है, शहज़ादी आब्दा सुल्तान की, और कई मुतअद्दिद खुदनविश्तें हैं। कनीज बलखी की मेरी ज़िंदगी के लम्हे हैं, हमारे सामने वो बैठी हुई हैं, किशोर नाहिद, इन्होंने बहुत धूमधाम से बुरी औरत की कथा लिखी। हम लोग दौड़े फौरन कि भाई पढ़ें बुरी औरत की कथा, उसमें सच कुछ भी नहीं निकला। तो बहुत हमें सदमा हुआ कि भाई ये कैसी बुरी औरत है जिसकी कथा में कोई सनसनीखेजी नहीं है। खैर इनकी लेके बैठे पढ़ने को, तो ये हुआ कि इन्होंने तो बहुत ही सादगी से हर बात कह दी है, लेकिन इतने सलीके से कही है कि आप बस पकड़ें तो पकड़ें वरना गुजरते चले जाएं। तो अब मैं इनसे अर्ज़ करूँगी मसूद अशर साहब से कि वो कुछ इस किताब के बारे में। अभी आपने बहुत बयान कर दिया किस किस ने लिखी है। किशोर नाहिद की तीन आप बीतियाँ हैं, एक नहीं है, ये तीन जिंदगियों के बारे में है। इसमें चौथाई की है, पुरतुलान हैदर की बारह। अच्छा ये किताब मुझे इसलिए अच्छी लगी जैसे आपने सादा से कहा कि ये एक पूरी तारीख है। हाँ, सोशल हिस्ट्री है। जब उन्हें पार्टीशन से पहले से लेके और अब तक की जो कुछ गुजरी है उस पर अपने ख़ानदान के हिसाब से, अपने रिश्तेदारों के हिसाब से जिस तरह बयान किया तो ऐसा लगता है जैसा ये पूरी हमारी तारीख है। और ये भी कि ये अजीब ऐसा ख़ानदान है कि अमृतसर से कहाँ चला है, अमृतसर से फिरोजपुर भी है, बरेली भी है, रामपुर भी है, फिर उधर कलकत्ते तक का चले गए हैं, फिर लखनऊ का भी शायद कुछ जिक्र है, फिर कराची के वाक़ात है। इस लिहाज से ये किताब इसलिए पढ़ने का लोगों को पढ़ने के लिए ज़रूरी है, नई नस्ल के लिए, कि उसे पता चले कि कैसे कैसे ख़ानदान थे हमारे यहाँ और हैं हमारे यहाँ अभी तक, जो कि किस किस तरीके से किन किन मुसीबतों से गुजरे और किस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी। ख़ासतौर पर आपने अपने बारे में जिस तरह लिखा है और जो कुछ इन पर बीती है उसे उन्होंने खुल के साफ साफ लिख दिया है कि रिश्तेदारों में और अपने रिश्तेदारों में किस तरह क्या बीती है, क्या किस तरह गुजरा, कहाँ गए और क्या क्या हुआ। और कुछ सवालात भी पैदा किए हैं, मसलन लियाकत अली खां का किस्सा जो लिखा है वो लोग डरते हैं लिखते हुए ऐसी बातें। लियाकत अली खां के सब्ज बाग नहीं, वही सब्ज बाग मतलब ऐसी बातें हमारे जो लीडर हैं जो जिनको हमने एक आइकॉन बना रखा है उनके बारे में लिखते हुए लोग डरते हैं, लेकिन आपने बड़ी सफाई से लिख दिया है कि उन्होंने वादा किया, बुलाया वहाँ से, और बुलाने के बाद जो उम्मीद थी कि उनसे कोई करेंगे वो नहीं कर सके, लिहाजा कराची छोड़ के कहाँ कहाँ गए और कैसे कैसे उन्होंने गुजारी, कैसे गुजारी और फिर ख़ानदान पे किस तरह गुजरी। और ये इससे ये भी मालूम है कि ये जिस तरह के चौथाई का, इसमें चौथाई का ख़ानदान के वहाँ से लेके ये आता है, इसमें चौथाई तक आता है अजीम बेग चौथाई से, या दूसरे ख़ानदान है जो कुरतुलैन ने जैसे अपने ख़ानदान के बारे, उसने तो खैर बड़ा रोमांटिसाइज किया है ना, अपने ख़ानदान को बिल्कुल नावल बना दिया है उसे। तो ये कि अब देखिए ना कि खलीक साहब, फिर आप, फिर हारिस, यानी ये तीन नस्लें तो ये दो नस्लें तो बहरहाल एक है ना अदब के साथ ताल्लुक़ है। तो इस लिहाज से ये किताब एक इसलिए पढ़ने के लिए चाहिए कि इससे हमें पूरे तारीख, और एक इसलिए कि ये ख़ानदान एक नहीं है, ऐसे बहुत से ख़ानदान हैं जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है और उन्होंने नहीं लिखा, और इस ख़ानदान में जो जद्दोजहद की है, जो स्ट्रगल की है और जिस स्ट्रगल से गुजर के इस मकाम तक पहुँचे हैं जहाँ पर कि आपने अपने ख़ानदान का और उनका अपने बारे में लिखा है, तालीम हासिल करने का जिस तरह तरीक़ा है, जो कुछ किया है तालीम हासिल करने के लिए, उसके बाद जो जो स्ट्रगल की है ज़िंदा रहने के लिए, इस लिहाज से वाकई बहुत अच्छी किताब है मेरा ख्याल है। अरे मैं आपसे इसमें एक ख़ास बात और है इस किताब में, वैसे इसका ज़्यादा तफसील से तो इन्होंने नहीं ज़िक्र किया,
اور وہ یہ ہے کہ یہ اس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں جس کی خواتین 20ویں صدی کی پہلی دہائی سے بہت پڑھی لکھی تھیں اور تخلیقی مصروفیتیں بھی تھیں ان کی. اور جب وہ آیا ہے, ریڈیو آیا ہے, تو ریڈیو سے ان کی والدہ اور ان کی تین خالائیں جڑی ہوئی تھیں. یہ ریڈیو کے مشاعرے پڑھتی تھیں, داد وصول کرتی تھیں, بہت عزت و توقیر سے بلائی جاتی تھیں اور محفلوں میں بیٹھتی تھیں. وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیسے خاندان کا قصہ ہے جسے لکھتے ہوئے ہمراہ فردوس کو کوئی شجرہ نسب تخلیق نہیں کرنا پڑا. یعنی انہوں نے اپنے زندگی کے واقعات یا اپنے خاندان کی زندگی کے واقعات لکھے تو ہیں, لیکن انہوں نے تخلیق نہیں کیے ہیں. ورنہ ہمارے یہاں تو بڑی افتاد ہے نا, بڑی افتاد ہے کہ ادھر سرحد پار کی, ادھر یا سید ہو گئے یا مغل ہو گئے, اور اس کے بعد فوراً کسی کو پکڑا اور اس سے کہا کہ بھیا اب تو جو ہے نا ہمارا ذرا شجرہ لکھ دے. تو ان کا وہ مسئلہ نہیں ہے. اور یہ ویسے تو بہت محتاط خاتون ہیں, بہت محتاط خاتون ہیں, لیکن ایسے سلیقے سے انہوں نے ایسی کاری باتیں لکھی ہیں کہ جسے اگر آپ ڈسائفر کر لیں تو بہت حیرت بھی ہوتی ہے, بہت لطف بھی آتا ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے 16 برس کی ایک لڑکی کا قصہ لکھا ہے جو جس کی شادی ہوتی ہے نہایت خوش ہے, اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری عمر بانجھ ہونے کا تانا سہتی ہے اور اپنے لب نہیں کھولتی, اور پھر اپنی بھانجی کو لے کے پالتی ہے. اور مطلب ایک قصہ کہانی ہے اس کی زندگی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے بہت احتیاط بھی کی ہے, لیکن جہاں کچھ کہنا ہوا ہے وہاں یہ کہہ گزری ہیں. مجھے تو شکایت یہ ہے کہ رامپور سے کیوں آ گئی, رامپور میں آپ کے والد صاحب کو اتنی اچھی جگہ مل گئی تھی, رواب نے دے دی تھی اتنی اچھی جگہ, اس لیے کہ میرا تعلق بھی رامپور سے ہے. آپ نے فوراً اپنے نواب کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا. قصیدہ نہیں, میں کہہ رہا ہوں جی, میں نے کہا وہ لیاقت علی خان کے سر سہرا جاتا ہے ہمارے پاکستان. جی جی جی, اچھا سر سے کھسک گیا تھا دراصل وہ سہرا, ان کے وہ سہرا سوکھی پھولوں کا تھا. اچھا, تو یہ ہے کہ انہوں نے, اچھا ان سے میرا تعلق 55 برس پہلے استاد اور شاگرد کا شروع ہوا تھا. اچھا, میں نے 8ویں میں ان سے پڑھا ہے. تو یہ ہے کہ جتنی میری خرابیاں ہیں سب ان کی دینی ہیں. تو پہلے تو یہ استاد اور شاگرد کا رشتہ تھا, اس کے بعد پھر ہم دوست ہو گئے, پھر ایسے دوست ہوئے کہ اللہ اللہ, اور اب بھی لڑتے جھگڑتے گزر رہی ہے زندگی. اور کہاں کہاں سے مجھے گزرنا پڑ رہا ہے ان کی وجہ سے. اچھا, ظاہر نہیں نہیں, میرا خیال یہ آپ بتا دیجیے, اس لیے کہ لوگ اب دیکھیے نا, ہم نے تو بات کر دی کتابوں کے بارے میں, لیکن میرا خیال ہے اچھا یہ ہوگا کہ آپ سے سوال کیے جائیں اور آپ اس کے بارے میں بتائیں. میں ابھی ایک بات ضرور عرض کروں گی کہ ان کی زندگی میں دو دوستوں کا بہت اہم کردار ہے. ایک چلی گئیں, فرخندہ نام تھا ان کا, جس کا غم اس پورے ملال بن کے کتاب کے صفحوں پر جھلکتا ہے. دوسری حسینہ, وہ اتفاق سے یہاں موجود ہیں, آ گئی ہیں بلوا. تو یہ ہے کہ میں نے لکھا ان کے بارے میں جب, تو میں نے لکھا کہ حسینہ سے ان کا جو تعلق ہے وہ اس کتاب کے سرورق سے ظاہر ہے, کہ جس میں سبھی تینوں علاقے ہنس رہی ہیں, لیکن حسینہ کا جو قہقہا ہے وہ اس تصویر کے چوکھٹے سے باہر نکل آیا ہے. لیکن نہیں, میرا خیال یہ اسے تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے تھا. خاص طور پہ جو مطلب یہ کہ مطلب ہمارا جی چاہتا تھا کہ جو اس وقت کا ٹی وی کا صورتحال تھی پی ٹی وی کی, اور جس طرح لکھا گیا, اگر اس کے بارے میں زیادہ ہوتا تو زیادہ کم از کم پڑھنے والوں کو زیادہ معلومات حاصل ہوتی, اور ان کے جو آپ نے اپنے دوستوں کا اوروں کا بھی لکھا ہے اس کے بارے میں, تو وہ زیادہ اچھا ہوتا اگر ایسا ہوتا. ہاں, اگر اسے کہ سوشل ہسٹری سمجھ کے جی بھی بیان کرتی, انہوں نے صرف اپنی, اصل میں میں نے یہ سمجھا کہ بس میں جو ہوں جی جی منانم کے مندانا جی جی, تو بس میں اتنا ہی لکھ دوں کہ اپنے بارے میں لکھ دوں کہ یعنی جو مجھ پہ گزری صرف اپنی ذات کو لکھا. جی جی جی
जी अब आप कुछ नहीं फरमाएंगे? नहीं बात फरमाइए ना। अच्छा मैं अर्ज करूँ। ये बहुत ही एक मेरे ख्याल में बहुत कारगुजार बेटी, बहुत फरमा बरदार बीवी और बहुत जान देने वाली माँ हैं, और उनकी उन्होंने जिस तरह की तरबियत की अपने बच्चों की, बेटे हैं इनके हारिस और तारिक, हारिस खलील और तारिक खलील, और हारिस ने जिस तरह अदब को और शायरी को अपना शेयर किया तो उसमें इनका और खलील भाई का दोनों का बहुत हाथ है, और इन्होंने जो भी लिखा है उसको पढ़ने से ये महसूस होता है कि अगर हम तय कर लें कि ज़िंदगी कितनी ही कठिन हो लेकिन हम तैरते चले जाएं तो तैर के उस पार उतरते हैं। ज़ाहिर इस तरह की चीज़ अगर वाकया हो इसके तो हमें शेयर करना चाहिए जी, नए लोगों को जो है हमारे करीबी लोग हैं दूर के हैं पढ़ने वाले हैं उनको मालूम होने चाहिए। अब खालिक रहीम साहब की जो किताब है ज़खीम किताब, वो इत्तेफाक से वो अफकार में किस्तों में छपती रही थी तो मैंने उसों से पढ़ना शुरू किया था उनको। उन्होंने अपने बारे में भी लिखा है, फिर ये कि जो तहरीकें उस ज़माने की थी उनके बारे में भी लिखा है इस किस्म के वाक़ात को। तो आपने भी खलीक साहब के बारे में काफ़ी लिखा है जिस अंदाज से ज़िंदगी गुजारी है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में ज़्यादा लोग मालूम करना चाहते हैं, ख़ासतौर पर वो दौर जो दौर है सारा दौर, वो उस दौर में जितने लोग गुजरे हैं कम अज़ कम जो लिखने वाले हैं उनको ज़रूर लिखना चाहिए। इसलिए कि हर एक का तजर्बा अपना ज़ाती तजर्बा होता है, वो इज्तमाही तजर्बा और ज़ाती तजर्बा मिल के जो कुछ बनता है वो हमारी आपबीती में और उसमें आया करता है। तो इस लिहाज से ये ठीक है कि उसमें ख़ानदान के वाक़ात हैं और उसमें रिश्तेदारों का कौन कहाँ था कैसा था किसने क्या किया, लेकिन ये कि वो हमें पूरा दौर एक हमें उसमें इस किताब में नज़र आता जिंदा होता नज़र आता है जी जी। नहीं उससे भी कुछ बात करवाएं, यही मैं चाहता था। मैं कुछ इक्तबासात आपको। अच्छा हाँ मैं ये जी बिल्कुल यही मैं चाहता था कि मैंने शुरू में मैंने कहा था कि आप अच्छा वो हो आई एम सॉरी अच्छा चूंकि हम बैठे ऐसे हैं ना। अच्छा ऐसा करती हूँ कि आप परेशान ना हो किशोर, मैं आपकी तरफ मुँह करके बात करती हूँ। चलो मेरी पैदाइश के वक्त मैं कुछ इक्तबासात सुना देती हूँ छोटे छोटे, और जब टाइम पूरा हो जाए तो मुझे अलर्ट कर दीजिए। अलर्ट नहीं करेंगे आपका ये माइक बंद कर देंगे। हाँ वो दस दस इंच। मेरी पैदाइश के वक्त अब्बा जान दिल्ली में एक सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर थे। उनके ख़ानदान का ताल्लुक अमृतसर से था लेकिन उनके आबा व अजदाद हुसैनपुर में बस गए थे जो वैसे तो पंजाब का हिस्सा था लेकिन मुजफ्फरनगर के करीब था। उनके वालिद यानी महमूद हसन अमृतसर में मोहल्ला शरीफपुरा में रहते थे जो उनके कज़न शरीफ साहब ने बसाया था, और अमृतसर का नहायत मशहूर और खुशहाल मोहल्ला ख्याल किया जाता था। यहाँ एक ज़माने में हुकूमत के बागियों को भी बना दी जाती थी। अब्बा जान का रुझान मज़हब की तरफ हो गया, उन्होंने आलोमहा शरीफ सियालकोट के एक बुज़ुर्ग हजरत साहब के हाथ पर बैत कर ली। दादा जान ने उनकी शादी कम उम्र ही में कर दी थी लेकिन पहले बच्चे की पैदाइश में उनकी बेगम का इंतकाल हो गया और सही देखभाल न होने की वजह से वो बच्चा भी जाबर न हो सका। उसके बाद अलीगढ़ से तालीम हासिल करने के बाद अब्बा जान मुजफ्फरनगर आ गए। दिल्ली 8 अप्रैल 1938 राबिया पिन्हा यानी अपिया ने अपनी छठी औलाद को जन्म दिया। अम्मी हस्बे साबिक अपने 2-3 मुलाजमीन को लेकर पहुंच गई थी। बच्ची की विलादत के वक्त अपिया की हालत सही नहीं थी, वो इतनी शदीद बीमार थी कि इस नामूलित बच्ची को की देखभाल नहीं कर सकती थी। बच्ची की खाला थी और लावलत थी। अब्बा जान के पास इससे बेहतर कोई हल नहीं था, चुनाचे वो बच्ची जिसका नाम अब्बा जान ने फिरदौस हमरा रखा था, अब्बा जान अब्बी और अम्मी के बाहम मशवरे से अम्मी के सुपुर्द कर दी गई। अब्बी और अम्मी की वीरान सुनसान बेरौनक ज़िंदगी और ख़जा रसीदा गुलशन में एक फूल खिल गया। उन्होंने इस फूल को गुलबीबी कहकर पुकारा। जिस वक्त ये बच्ची दिल्ली से मुजफ्फरनगर लाई गई तो स्टेशन से लेकर घर तक का रास्ता
रोशनी के कुमकुमों और फूलों से सजाया गया था। पूरा घर भी इस तरह सजाया गया था जैसे किसी शहजादी का इस्तकबाल। नाज़िर हसन यानी अब्बी मुजफ्फरनगर के नामी ग्रामी वकील थे। उनका ताल्लुक एक मोअज़्ज़ज़ घराने से था। उनके वालिद रियासत मालियर कोटले के वजीर थे। मालियर कोटला जो अब भारतीय पंजाब के ज़िला संगरूर में एक छोटा सा शहर है, तकसीम से कबल एक मुस्लिम अक्सरती रियासत था जो 15वीं सदी में शेख सदरुद्दीन ने कायम की थी, जो अफ़गानी निजात शेरवानी थे। इस रियासत की सन 1947 के हवाले से सबसे ख़ास बात यह है कि फसादात की आग से बिल्कुल महफूज रही और उन पुराशोभ दिनों में भी मुसलमानों और हिंदुओं और सिखों के लिए अमन व आश्ती का जजीरा बनी रही। मालियर कोटले शहर की बुनियाद कोई 500 या इससे भी ज़्यादा पहले सूफी बुजुर्ग बाबा हैदर शेख ने रखी थी। फसादात न होने की वजह से और आज तक इस शहर में मुसलमानों की मौजूदगी का सबब 1705 में होने वाला एक वाक़या बताया जाता है, जब सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने के बेटों जिनकी उम्रें 9 और 7 बरस थी को औरंगज़ेब आलमगीर के मुकर्रर करदा सरहिंद के गवर्नर वज़ीर ख़ान ने दीवार में चुन देने का हुक्म दे दिया। तो मालियर कोटले के नवाब शेर मोहम्मद ख़ान ने न सिर्फ इस फैसले के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई बल्कि इस हुक्म को कुरान और सुन्नत के मुनाफी करार दिया और एहतजाजन दरबार से बाहर निकल आए। कहा जाता है कि वो वहाँ मौजूद वाहिद शख्स थे जिन्होंने इन बच्चों की जान बख्शी के लिए आवाज़ बुलंद की। जब इस अमल की खबर दिल गिरफ्तार गुरु गोविंद सिंह तक पहुँची तो उन्होंने नवाब साहब को एक ख़ास हुक्मनामे और किरपान से नवाजा। चुनाचे कोई 150 बरस बाद भी हक़ के लिए उठाई जाने वाली एक आवाज़ ने पूरी रियासत मालियर कोटले को उस भयानक दरिंदगी से महफूज रखा जिसका शिकार बाकी तमाम पंजाब हुआ था। आखिरकार 14 अगस्त 1947 का दिन भी आ पहुंचा। हिंदुस्तान के 2 हिस्से हो गए। आज़ादी मिल जाने के बावजूद माहौल में एक तनाव सा था, फ़ज़ा पर कुछ उदासी थी, लोग बजाय खुश होने के कुछ बुझे बुझे से लगते थे। फिर एक रात अचानक पता चला कि अम्मी अब्बी को मुजफ्फरनगर छोड़ना है क्योंकि मुस्लिम लीगी होने की वजह से अब्बी की गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है। मुजफ्फरनगर के कमिश्नर अगरचे हिंदू थे लेकिन अब्बी के बहुत गहरे दोस्त थे। वो रात को एक बस का इंतज़ाम कर रहे हैं। अम्मी गुलबीबी को देखती और आंखों से बहने वाले आंसुओं को पी जाती। फिर उनसे पूछती, गुलबीबी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सब कुछ छोड़कर, आपके खिलौने, किताबें, गुड़ियाँ, आपका सजा हुआ कमरा, आपकी गुड़ियों के बने हुए गुड़ियों का घर, आपको अफसोस तो नहीं? अब्बी का चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था। अम्मी ने ये सवाल तो कर लिया था लेकिन शायद गुलबीबी का जवाब सुनने की उनमें हिम्मत नहीं थी। वो फटी फटी आंखों से उन्हें देख रही थी। नहीं अम्मी, मुझे कोई अफसोस नहीं, आप और अब्बी मेरे पास हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शायद इस जवाब की अम्मी अब्बी को तवक्को नहीं थी, वो कुछ बोल ना सके, उन्हें देखते रह गए। गुलबीबी की उम्र बहुत मुख्तसर थी, सिर्फ 9 साल, और फिर जैसे गुलबीबी एकदम से बड़ी हो गई। सिर्फ 9 साल की इस बच्ची के बतन से उसी लम्हे मैंने जन्म लिया। गुलबीबी को मुजफ्फरनगर के उस सजे सजाए घर में छोड़कर जहाँ उनके खिलौने थे, किताबें थीं, उनका सजा हुआ कमरा था, गुड़ियाँ थीं, उन गुड़ियों के पुख्ता घर थे, मैं अम्मी अब्बी के साथ रात के 3 बजे रामपुर के लिए रवाना हो गई। मेरा शहर, मेरा घर सब न जाने कितना बदल गया होगा लेकिन इसका नक्शा, उसकी गलियाँ, सड़कें, बाज़ार, घर का एक एक कोना मेरे जहन में महफूज है। और मुझे यकीन है कि सब कुछ बदल गया होगा तब भी गुलबीबी के गुड़ियों के घर उसी तरह कायम होंगे। एक बच्चे की इस मासूम छोटी सी दुनिया को शायद किसी ने नहीं उजाड़ा होगा। नवाब लियाकत अली खान पाकिस्तान के वजूद में आते ही पाकिस्तान चले गए। वो कायदे आज़म के दस्ते रास थे, लिहाजा वहाँ पहुँच कर वज़ीर आज़म का आला तरीन ओहदा उन्हें मिल गया और वो शख्स जिसका नाम नाज़िर हसन था मुजफ्फरनगर ही में रह गया। कुछ दिन बाद उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए एक हिंदू की मदद से, लेकिन दोस्ती निभाने वाले दोस्त जो शहर के कमिश्नर थे
अब भी अपनी परसों बरसों की बनी हुई पुरसकून ऐशो आराम की दुनिया को छोड़कर तमाम ठाट बाट को खैर बात कहकर रात की तारीकी में शहर बदर हो गए। जो सब्ज़ बाग नवाब लियाकत अली खान ने उन्हें दिखाए थे वो शराब साबित हुए। जाहिद हुसैन जो अब्बी के रिश्ते में भतीजे थे उस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर थे, फरिश्ते के रूप में हमारे सामने आए। उन्होंने लायलपुर, जिसे अब फैसलाबाद कहा जाता है, उनके नेशनल वहाँ के नेशनल बैंक में अब्बी की मुलाजमत का इंतज़ाम कर लिया। लेकिन शायद किसी कोने खुदरे में एक और निश्तर हमारी ताक में था। एक दिन अचानक अब्बा जान ने अम्मी से कहा कि वो लायलपुर अब्बी के पास चली जाएं और मुझे कराची में छोड़ दें, दूसरे लफ्ज़े में मैं उनकी बेटी उन्हें वापस कर दूँ। क्यों? इसलिए कि अब उनकी बेटी को वो सब आराम नहीं मिल सकेगा। मुझे और अम्मी को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। क्या कोई ये ख्वाब था, भयानक और होश शुबा? अम्मी सत्ते में आ गई, वो मेरे बगैर कैसे ज़िंदा रह सकती थी? मैं तो उनकी ज़िंदगी थी, उनकी रूह थी। अगर मैं उनके पास न रहूँगी तो उनका सांस उखड़ जाएगा। मैंने ही तो उन्हें जैसे इन तारे मसायब अजाब महरूमियाँ बर्दाश्त करने के बावजूद आज तक ज़िंदा रखा था। ये कैसे हो सकता था? ये नहीं हो सकता था। मैं जो अब तक खामोश रहकर सब कुछ झेलने वाली लड़की थी, अब बड़ी हो गई, सब कुछ सुनने समझने के काबिल हो चुकी थी। और फिर एक दिन मैंने नहायत साफ साफ लफ्ज़ों में अब्बा जान से कह दिया, मैं यहाँ आप लोगों के पास नहीं रहूँगी, नहीं रह सकती। मैं अपनी अम्मी के साथ अपने अब्बी के पास जाऊँगी, मेरा घर वही है, मेरे माँ बाप भी वही हैं। शायद आप भूल गए अब्बा जान कि दौलत से माला माल घर में भी मैं इनकी बेटी थी, तो तंग दस्ती में भी मैं उन्हीं की बेटी हूँ। हम लोग पर वहाँ पे हाँ वही मैंने वहाँ से दो मिनट और एक मिनट खत्म हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, एक मिनट है। मैं आखिरी सफ़ा पढ़ दे। अच्छा चलिए आखिरी पढ़ दें आप, एक सफ़ा पढ़ लीजिए। हाँ पढ़िए। ये 29 सितंबर 1906 थी जब खलीक ने 42 साल तक मेरे साथ चलते चलते रास्ता बदल लिया। उन्होंने एक बार भी ना सोचा कि मैं उनके बगैर कैसे ज़िंदा रहूँगी। एक दूसरे का ताहयात साथ देने का वो वादा जो ज़बान से बेशक अदा ना अल्फाज का मोहताज नहीं था, उन्होंने उसकी वादा खिलाफी की। मेरे उन्होंने खुद से नहीं मुझसे खुद से बेवफाई की, क्योंकि मैं तो उनके वजूद का हिस्सा थी। मेरी हिफाजत करने वाला आखिरी सुतून भी गिर गया। फिर कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि अचानक खुशी की कोई किरण धुंधलकों में से झांकने लगती है, मगर आखिर कब तक? इस मसनूई और बनावटी ज़िंदगी से मैं तंग आ गई। और जब बहुत कुछ तफरीह करके हंस के बोल के आती हूँ, फिर रात को आंखें बंद करके लेट जाती हूँ और कहीं से इस शेर की सरगोशी सुनाई देती है, चश्मे हूँ बस्ता से कल रात लहू फिर टपका, हम तो समझे थे कि ऐ मेरी आज़ाद गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमरा खलीक साहिबा। अब मैं इस वक्त आपको आपा नहीं कहूँगी, तो वो उन्होंने कह दिया कि बिल्कुल कुछ ना कहें वो, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, वक्त ख़त्म हुआ। तो ये है कि आपने बहुत अच्छा सुनाया। हम लोगों ने भी कोशिश की कि आपकी किताब का थोड़ा सा परिचय दे दें, और ये है कि बस यही हम लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि भाई अगर जी चाहे ये सब कुछ सुन के तो किताब ख़रीद लीजिए, बहुत अच्छी बात रहेगी। ये भी पता चलेगा कि वो कहाँ वो खुद नविश्तें जो सनसनी खेज नहीं होती वो किस कदर सनसनी खेज होती हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। द नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट इन 5 मिनट्स एंड द टाइटल ऑफ द सेशन इज फ्रेंजी बिनवाला इन कॉन्वर्सेशन विद शंडान पिनहास, ऑथर ऑफ सर्वाइवल टेक्स्ट फॉर लूनेटिक्स। थैंक यू।